तीन महीना हो गया, वो नहीं वहां का चावल देने वाला, क्या कारण है, क्यों क्यों नहीं मिल रहा है, थोड़ा आप देख लीजिए क्या कारण है। नहीं मैडम तो बोले कि ये हमारे हेलो हाँ जी, मालूम का जांच हो गया है और क्या बोलते हैं स्टॉक उसके पास दिखा रखा उसके ई पॉस मशीन में, इस कारण उसके पास चावल कट गया है और दुकानदार का कहना है कि उसके द्वारा वितरण कर दिया गया है कार्डधारी को। मैं कुछ ऑनलाइन बांटा हूँ और ऑफलाइन भी बांटा हूँ, रजिस्टर के द्वारा बांटा हूँ बोल रहे हो, सभी को मैं चावल बंट गया है ऐसा विक्रेता का कहना है, लेकिन हम लोग जांच कर ले, मैं और एसडीएम सर चले गए थे, जांच हो गई है और शिकायत सही पाई गई है तो उसके ऊपर कार्रवाई की जा रही है, अभी प्रकरण बन गया है उस दुकान का। विक्रेता है क्या मारो सियासन करके विक्रेता मारू के पालक पंचायत क्या है, सरकार ने चावल फ्री कर दिया, मतलब सेल्समैन का गलती है कि आपका विभाग का गलती है कि चावल आता है कि नहीं आता है, क्या कारण है आप लोग इस थोड़ा एक बार देख लीजिए जाके, ताकि हमारे तक जनता का शिकायत नहीं आना चाहिए, क्योंकि सरकार ने योजना बनाई है चावल का योजना हो चना का योजना हो जो भी है लोगों तक पहुँचना चाहिए, पर हमारे तक पहुँचना हमको दुख लगता है क्या है। नहीं हम भी चाहते हैं सर, विभाग भी ये चाहता है कि सभी कार्डधारियों को चावल पहुंचे और चावल पहुंचाया जा रहा है सर, अब ये कहां पर मिस हो रहा है वो देखना पड़ेगा। मार्डुम के हो बिनता के हो पालम के हो ये लगातार शिकायत आ रही थी मेरे पास, आके बोले थे कि दो महीना तीन महीना से राशन मिल नहीं रहा। मैं मैडम को जो पूर्व मैडम है उनको मैं अवगत भी करवाया था, मैडम इस तरह का यहाँ का शिकायत आ रहा है कि वहाँ सेल्समैन है चावल मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, आप एक बार जाके जाँच कर लीजिए ताकि वहाँ पता चल जाए कि हितग्राही को चावल वाकई क्यों नहीं मिल रहा, किस कारण नहीं मिल रहा है। तो मैडम मैं अभी बुला के बताया कि इस तरह का बात आ रहा है, मेरे तक ना आने दे ताकि उस हितग्राही को चावल मिले जो सरकार ने चावल को फ्री कर दिया है, मगर चावल दो से तीन महीना तक अभी तक किस कारण नहीं मिला है, ये फूड विभाग को जांच करवाना चाहिए, ताकि मैं अभी मंच के माध्यम से उनको बोला कि इनको जांच किया जाए कि आपका गलती है या सेल्समैन का गलती है कि लोगों तक चावल क्यों नहीं मिल रहा है।